और संगीन गद्दारी केस का फैसला महफूज करने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। परवेज मुशर्रफ के वकील ने अदालत आलिया में दरख्वास्त दायर कर दी, साबिक सदर के तंदुरुस्त होने तक समाअत मौखर करने की इस्तदा। परवेज मुशर्रफ के वकील ख्वाजा अहमद तारिक रहीम ने लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौकिफ इख्तियार किया कि खुसूसी अदालत ने 19 नवंबर को मौकिफ सुने बगैर गद्दारी के मुकदमे का फैसला महफूज कर लिया। परवेज मुशर्रफ बीमारी की वजह से बैरून मुल्क मुकीम है, इसी वजह से वो मौकिफ पेश नहीं कर सके। अदालत से इस्तदा की गई कि खुसूसी अदालत का फैसला महफूज करने का इकदाम मुअत्तल किया जाए और संगीन गद्दारी मुकदमे पर समाअत परवेज मुशर्रफ के तंदुरुस्त होने तक मुअक्कर की जाए। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की सेहत के तायुन के लिए गैर जानिबदार मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए। 19 नवंबर को इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस का फैसला महफूज किया था, जो 28 नवंबर को सुनाया जाना है। मुस्लिम लीग नून ने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आईन शिकनी का मुकदमा 2013 में दर्ज किया था।